हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रानी, मैं केरला से हूँ। आज की रेसिपी गेहूं की आटा से बनी हुई सॉफ्ट एंड बहुत टेस्टी एक हलवा की रेसिपी है। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। चलिए अपन गेहूं की आटा से बनी हुई केरला स्टाइल हलवा कैसे बनाते देखते। बीट फ्लावर का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ml का कप का एक कप बीट फ्लावर। अपन नॉर्मल चपाती बनाती हूँ ना, वो सेम बीट फ्लावर मैंने यूज कर रही हूँ। अभी इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद में अपन चपाती के लिए आटा गूंथते हैं ना, जैसे अपन को आटा गूंथ के लेना है। अभी आप देख सकते हो मैंने आटा को अच्छे से एक सॉफ्ट डो रेडी कर दिया। अभी इसके अंदर अपन ऐड करेंगे 250 ml का कप का 4 कप पानी। पानी इसके अंदर ऐड करने के बाद में इसे 4 घंटे के लिए ऐसे रेस्ट के लिए रखना है। इसी समय अपन इसके लिए कैरामल सिरप को बनाना है। उसके लिए एक बर्तन को मैंने गैस में रख दिया, उसके अंदर मैंने डाल रही हूँ 1/2 कप चीनी। उसके साथ में 1/4 कप पानी भी ऐड करने के बाद में कैरामल का कलर होती है ना, वो कलर आने तक है ना अच्छे से इसे मिक्स करना है। अभी आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया, एक डार्क शेड में आ गया। अभी इसके अंदर 1/4 कप गरम पानी को ऐड करेंगे, उसके बाद में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये कैरामल सिरप रेडी हो गया। अभी इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अभी मैंने एक पैन को गैस में रख दिया, उसके अंदर डाल देंगे 2 टीस्पून घी। घी अच्छे से गर्म होने के बाद में उसके अंदर डाल देंगे कुछ कैश्यू नट को। उसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके लेना है। अभी कैश्यू नट भी अच्छे से फ्राई हो गया। अभी इसे भी निकाल के एक बर्तन में डाल देंगे। अभी मैंने 4 घंटे के लिए पानी डाल के रखा हुआ आटा को आप देख सकते हो, अभी ये सॉफ्ट हो गया। अभी क्या करेंगे, इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करके अपन को इसका दूध निकालना है। अभी आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से मिक्सिंग कर दिया। अभी एक छन्नी ले लेंगे, उसके अंदर अपन इसे छान के ले लेंगे। ये जो वेस्ट होती है ना, इसे अपन फेंक देंगे। बाकी ये दूध को अपन एक बड़ा सा बर्तन में डाल देंगे। उसके बाद में फ्लेम को हाई रखेंगे, उसे 5 मिनट अच्छे से लगातार मिक्स करेंगे। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लग जाएगी ना, फ्लेम को मीडियम में रख देंगे। अपन पहले रेडी करके रखा हुआ शुगर का सिरप होती है ना, उससे अपन थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, सब मिक्सिंग भी करेंगे। अभी इसके अंदर अपन को शुगर को ऐड करना है। 1.5 कप शुगर मैंने इसके लिए यूज कर रही हूँ। आपका मीठा आप क्या पसंद करते हो, उसी हिसाब से शुगर का क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। शुगर को भी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे मिक्सिंग कर देना। मैंने पहले 1/2 कप शुगर को ऐड किया है, बाकी शुगर को मैंने बाद में ऐड किया है। उसके बाद में इसे लगातार मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम में रखना है। शुगर सारे डालने के बाद में इसके अंदर 1 टीस्पून डाल देंगे इलायची का पाउडर एक फ्लेवर के लिए। उसके बाद में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसके अंदर अपन को घी को मिलाना है। टोटल मैंने 3 टेबलस्पून घी को इसके अंदर मिला रही हूँ। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून घी को इसके अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद में इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद में 2 टेबलस्पून घी को भी इसके अंदर ऐड करके मिलाएंगे। टोटल मैंने 3 टेबलस्पून घी को मैंने इसके अंदर मिलाया। उसके बाद में अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। घी को मैंने 3 टेबलस्पून घी को मैंने पूरा मिला दिया। उसके बाद में आप देख सकते हो इसका हलवा की कलर थोड़ा सा डार्क शेड में आ गया, थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया। इसी समय अपन पहले फ्राई करके रखा हुआ कैश्यू नट को इसके अंदर मिलाएंगे, उसके बाद में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हलवा की कंसिस्टेंसी ऐसे होती है, ये पैन से ये निकलने लग जाएगी ना, तो वही है इसका कंसिस्टेंसी। अभी आप देख सकते हो ये पैन से अच्छे से निकलने लग गया। अभी हलवा रेडी हो गया। हलवा को अभी अपन हलवा को सेट करते। सेट करने के लिए मैंने एक ऐसे ट्रे को लिया हुआ है, उसके अंदर मैंने घी को थोड़ा सा स्प्रेड किया हुआ है। अभी इसके अंदर ये हलवा के मिक्स को डाल देंगे। उसके बाद में एक स्पून से अच्छे से लेवल करेंगे। अभी इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये 1 घंटे में ठंडा होके हलवा बन के आएगा। अभी 1 घंटे हो गया, आप देख सकते हो हलवा अच्छे से सेट होके आ चुका है। यकीन मानिए बहुत टेस्टी हलवा है, एक बार आप ट्राई करके देख लेना, जरूर आपको पसंद आएगा।
उम्मीद करती हूँ आपको वीट फ्लावर से बनी हुई हलवा की रेसिपी पसंद आए होगा। पसंद आए तो नीचे दी हुई लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलना। आप साउथ इंडियन रेसिपी को पसंद करते तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। अगली वीडियो पे एक नए साउथ इंडियन रेसिपी के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।